हिंदू धर्म में मृत्यु को उन्नति का एक नया आरंभ माना जाता है और आत्मा का पुनर्जन्म धारण किया जाता है। शुक्ल पक्ष में मरने वाले क्या वापस नहीं आते? गीता में ऐसा क्यों कहा गया है कि शुक्ल पक्ष में मरने वाले वापस नहीं आते और वहीं कृष्ण पक्ष में मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति वापस आता है, यानी उन्हें फिर से जन्म लेना होता है। लाखों लोग शुक्ल पक्ष में गुजर जाते हैं। लाखों ऐसे हैं जिनकी मृत्यु कृष्ण पक्ष में होती है। जो लोग शुक्ल पक्ष में गुजर जाते हैं उनका क्या होता है? क्या उन सभी को मोक्ष मिल जाता है? गीता में ये बात उन लोगों के लिए कही गई है जो ध्यानी योगी या अनन्य भक्त हैं। आम व्यक्ति मरने के कुछ वक्त बाद ही दूसरा जन्म ले लेता है। हालांकि जो पाप कर्मी है उन्हें अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। उन्हें दूसरा जन्म लेने में भी परेशानी होती है। बता दें, चंद्र के घटबरह के अनुसार इन्हें 15-15 तिथियों में बांटा गया है। शुक्ल पक्ष को देवता का दिन और कृष्ण पक्ष को पितरों का दिन कहा जाता है। तो भक्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और साथ ही धर्म, आध्यात्म और दैवीय उपायों की जानकारी के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े।